तो आज माइनक्राफ्ट में हम लोग स्टील कर सकते हैं मॉब्स के सुपर पावर, जैसे कि अगर मैं इस चिकन को किल करूंगा तो मुझे मिल जाएगी फ्लाइंग एबिलिटी एंड साथ ही साथ मैं अंडा भी दे पाऊंगा। यस, एकदम सही सुना तुम लोगों ने। वैसे ही बाकी मॉब्स को किल करके हम लोग उनकी भी एबिलिटीज लेंगे एंड एंड में उस एंडर ड्रैगन को टपका के उसकी भी पावर लेंगे। तो इसी बात पे इस वीडियो पे लाइक मार देना एंड लेट्स स्टार्ट। ओके, तो माइनक्राफ्ट में हम लोग आके सबसे पहले क्या करते हैं, ऑब्वियसली ग्रास ब्लॉक तोड़ेंगे। नहीं, मजाक कर रहा था, पहले वुड तोड़ने दो, फिर क्राफ्टिंग टेबल बनाने दो एंड फाइनली स्वॉर्ड बनाने दो। तो फालतू काम तो सारा मैंने कर लिया, अब किया जाए मेन काम। तो कहीं पे कोई चिकन दिख रहा है जिसे टपका के मैं उसका पावर ले सकूं? अरे यार, हमेशा मैं जब इन लोगों को ढूंढने लगता तो ये लोग कहाँ गायब हो जाते। ये देखो, एक भी चिकन नहीं दिख रहा है मुझे। कमॉन चिकन, हॉर्स, काउ, कोई भी दिख जाओ, किसी को भी टपका दूंगा ना तो उसका पावर मिल जाएगा मुझे। तो कोई तो नहीं दिख रहा है भाई। चिकन, ओहो हो, चिकन दिख गया। तो चलो चिकन रानी, अपना पावर मुझे फटाफट देने के लिए मुझे रेडी हो जाओ। तो ये मिल गया चिकन पावर, इससे हम लोग को स्लो फॉलिंग 2 मिल जाता है एंड साथ ही हम लोग चिकन भी पैदा कर सकते हैं। हाँ, पता है काफी ज्यादा अजीब है, मुझे नहीं पता ऐसे क्यों है। कोई बात नहीं, पहले मैं इन्हें पैदा करूंगा फिर इन्हें टपका दूंगा। पता है हरामी हो बेटा। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं करने वाला, मैं मजाक कर रहा था। बट ये देखो कैसे हम लोग ऐसे आराम से हौले हौले हवा में लहरा सकते हैं, भाई अच्छा लगा मुझे ये पावर। तो चलो ऐसे उड़ते उड़ते ही जाएंगे हम लोग एंड टपकाएंगे अब काउ को। अब मुझे काउ का एबिलिटी लेना है, देखता हूँ उससे क्या मिलेगा। हेलो काउ ब्रो, आप कितने हो? बस आई होप कि आप मुझे दूध देने वाला एबिलिटी ना दे दो, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। ओके गाइज, काउ तो नहीं मिला बट ये सिप मिला है, तो देखने दो क्या मैं इसका पावर चुरा सकता हूँ। ओ नो, अरे नहीं यार, मैं इसका पावर नहीं चुरा सकता। तो मुझे लगता है मैं बस कुछ ही मॉब्स का पावर चुरा सकता हूँ, और किन लोगों का वो तो ट्राई करने के बाद ही पता चलेगा। तो ये देखो काउ भी हम लोग को दिख गया, तो चलो इसे भी टपकाया जाए। बस आई होप कि ये वो वाला पावर ना दे जो मैंने कहा था। तो इससे क्या होता है देखने दो। ओ, स्टिक मिल गया, तो देखने दो क्या ये इन्फिनाइट मुझे मिल रहा है। ओ भाई, ओके गाइज, वैसे तो वेट अ सेक, मैं वेजिटेरियन हूँ। अच्छा ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं वेजिटेरियन हूँ, हमेशा मैं बोलता हूँ मैं वेजिटेरियन हूँ एंड उसके बाद फटाफट मैं ये चिकन बिकन खाने लगता हूँ। तो अभी तक मुझे दो एबिलिटीज मिली है, चिकन का एंड काउ का। ओ रुक जाओ, ये लोग हॉर्स है ना, देखने दो क्या इनसे मुझे कोई एबिलिटीज मिलेगा। देखो पापी, एक्सपेरिमेंट के लिए करना पड़ता है, कॉन्टेंट के लिए करना पड़ता है ये सब। तो ओ, हॉर्स का पावर मिल गया, रुक जाओ तो देखने दो इससे क्या होता है। अच्छा, स्पीड 6 मिल जाता है मुझे। तो ओके, ये भी अच्छा लगा मुझे। तो अब मैं सुपर फास्ट दौड़ सकता हूँ, अपने लिए अनलिमिटेड खाना ले सकता हूँ और चिकन पैदा कर सकता हूँ। ठीक है, ये अजीबोगरीब एबिलिटी को इग्नोर मारते हैं एंड चलते हैं कोई विलेज ढूंढने, क्योंकि मैं अगला सुपर पावर आयरन गोलम का ट्राई करना चाहता हूँ, देखता हूँ उसे क्या पावर मिलेगा। उससे आई थिंक सो स्ट्रेंथ का एबिलिटी मिल जाएगा। तो चलो मैं फटाफट आता हूँ ये विलेज ढूंढ के, तब तक ऐसा करो तुम लोग सब्सक्राइब मार दो। देखो अभी तक बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, इतने सारे चिकन को मैंने पैदा किया, उन लोग को मैं खाना कैसे खिलाऊंगा। तो मेरे चिकन बच्चों के लिए तुम लोग फटाफट सब्सक्राइब कर दो। ए फ्यू मिनट्स लेटर, लेट्स गो। तो फाइनली मैंने विलेज भी ढूंढ लिया और ये देखो आयरन गोलम भी मुझे दिख गया, तो चलो अब इसे टपकाया जाए। सॉरी सर, ये देखो काली बिल्ली ने इसका रास्ता काट दिया, अब इसका बैड लक चालू, और इसकी बैड लक का स्टार्टिंग होगा इसके मौत से। अरे ये तो बैड लक नहीं, ये तो डेड लक हो गया भाई, ये तो मर ही जाएगा सीधे। और ये भी टपक गया, तो ये देखो आयरन गोलम सुपर पावर मिल गया। तो अरे भाई, रेसिपी बाद में अनलॉक हो जाना। ये देखो हम लोग को मिल चुका है स्ट्रेंथ 6, इसका मतलब अगर मैं किसी को भी मारूंगा तो वो वन शॉट में टपक जाएगा, और इसने कोई पावर ड्रॉप नहीं किया। कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे विलेजर्स का पावर नहीं चाहिए था, मुझे पता है इसके पावर्स के साथ क्या होगा, मैं बस हाँ कर पाऊंगा। सही पकड़े हैं। तो अभी तक तो मैंने सारा पैसिव मॉब्स का एबिलिटी चुरा लिया, तो लेट्स गो, अब चुराया जाए क्रीपर, ज़ॉम्बीज, स्केलेटन, इन सभी का पावर, और उसके लिए रात होने का वेट करना पड़ेगा जो कि ऑलमोस्ट हो ही गया। अरे रुक जाओ, मैंने इस कैट का एबिलिटी चुराने की कोशिश नहीं की है, आई डोंट थिंक सो ऐसा करना सही आइडिया रहेगा, लेकिन अरे यार एक सेकंड के लिए रुक जाओ। A little longer than a few minutes later. What the hell? ये तो एकदम दौड़ ही जा रही है। जाओ, मैंने तुम्हें छोड़ दिया। वैसे भी मुझे पता है तुम्हें टपका के मुझे बैड लक का एबिलिटी मिल जाएगा, क्योंकि काली बिल्ली है ना।
ओके तो रात हो चुकी है, तो चलो ये देखो यहाँ पे एक एंडरमैन है, रुक जाओ इसे टपकाने की कोशिश करता हूँ, कमॉन ब्रो टपक जाओ। तो ये देखो एंडरमैन पावर मिल गया और इससे मैं ये देखो मैं कहीं पे भी टेलीपोर्ट कर सकता हूँ। ओ भाई ये तो अच्छा है, ओके मजेदार है ये। तो रुक जाओ मेरे पास एक ब्रिलियंट आइडिया है, अगर मैं फेदर फॉलिंग एक्टिवेट कर दूं एंड इससे फिर मैं ओके भाई 3000 IQ, 4000 IQ, 10000 IQ कितना भी बोल दो कम है, लेकिन इससे मैं इजिली हवा में उड़ के इधर उधर जा सकता हूँ। गाइज ये हुई ना बात, तो ये देखो इसे कहते हैं अपनी शक्तियों का सही से इस्तेमाल करना। आई थिंक सो अब मैं स्पाइडरमैन बन सकता हूँ। तो स्पाइडरमैन से याद आया, क्या इधर कोई स्पाइडर है, देखने दो क्या उसका एबिलिटी मैं चुरा सकता हूँ। स्पाइडर तो नहीं है लेकिन ये हड्डी है, चलो इसे टपका के देखता हूँ। एंड नो 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 मैं खुद ही टपक जाऊंगा भाई, आराम से इपिक बेटे, इतना भी जोश में नहीं आना है। ओ ये कहाँ टक गया, ओ नो, अरे निकल जा ब्रो निकल जा, ओ माई गॉड, ओ भाई फाइनली निकला यार, ये थोड़ा खतरनाक है, बच कर रहना पड़ेगा। ये देखो स्पाइडर आ गया, रुक जाओ देखता हूँ क्या मैं इसका पावर चुरा सकता हूँ। तो ओके इसका पावर मैं नहीं चुरा सकता, तो क्या इस जॉम्बी का पावर चुरा सकता हूँ, देखने दो। नहीं इसका भी पावर नहीं चुरा सकता, तो इस हड्डी का पावर चुरा सकता हूँ, देखने दो। एंड इसका भी पावर नहीं चुरा सकता, अब इस क्रीपर का पावर चुराने दो। एंड यप मैं इस क्रीपर का पावर चुरा सकता हूँ, तो देखने दो इससे क्या होता है, कुछ लिखा तो नहीं है बट ट्राई करने दो। ओ ओ भाई ओके ओके मैं ये कर सकता हूँ, ओ भाई ये मजेदार निकला। ओके तो अब रुक जाओ, अब मुझे ये फेदर फॉलिंग और ये क्रीपर का पावर मर्ज करने दो। तो ये देखो अब मुझे फॉल डैमेज भी नहीं होगा, अब क्या करूँ गाइज मैं हूँ ही इतना जीनियस, ये सारे आइडियाज मेरे दिमाग में अपने आप आते जाते हैं। तो ये देखो एक और तरीका ढूंढ लिया मैंने हवा में उड़ने का, ये देखो। और अच्छी बात ये है कि मैं इसकी मदद से और से भी माइन कर सकता हूँ, ये देखो डायमंड मैंने ढूंढ भी लिया, तो देखने दो लेट्स गो, ब्लास्ट करने से डायमंड मिल जाता है। ओके तो एक मिल गया, अब मुझे ऐसे करके ढेर सारे ढूंढने हैं। ये देखो यहाँ पे भी डायमंड है और क्रीपर भी है, लेकिन मुझे तुम लोगों से डर नहीं लगता, ये लो तुम लोग को तुम्ही के पावर से मारूंगा भाई, मजा आ गया। तो चलो और भी ज्यादा डायमंड मिल गया, तुम्हारी ऐसी की तैसी मेरा डायमंड चोरी करने की कोशिश कर रहे हो। ओके अभी तक मुझे 3-3 डायमंड मिल गया, ये देखो मैं ऐसे करके ट्रैवल कर रहा हूँ, बड़ा मजा आ रहा है। ओ भाई और भी ज्यादा डायमंड मिल गया, इन मॉब से डरने की जरूरत नहीं है, इन्हें मैं उड़ा ही डालूंगा। तो चलो दो और डायमंड मिल गया। 5 minutes later. ओके तो अभी तक मैंने टोटल 31 डायमंड्स कलेक्ट कर लिए हैं, तो चलो अब यहाँ से एकदम धमाकेदार तरीके से निकला जाए। और धमाकेदार तरीके से मेरा मतलब कुछ इस तरह था भाई, ये लिटरली धमाकेदार हो गया, देख रहे हो कितनी इजिली मैं ऊपर जा रहा हूँ, देखा हिला डाला ना। yes. यार ये क्रीपर वाला पावर सही में बेस्ट था, माइनिंग भी इजिली कर पाया, मॉब से भी इजिली फाइट कर पाया, टाइम भी इसने मेरा कितना बचा दिया। तो चलो अब बस बचा ये सारा डायमंड आर्मर बनाना एंड फिर चलेंगे उस एंडर ड्रैगन की वट लगाने। और ये देखो मैं डायरेक्टली आ चुका हूँ इंड में, अब तुम लोगों को तो पता है टाइम इज मनी, इसीलिए मैंने माइनक्राफ्ट को पैसे खिला दिए और अपना टाइम बचा के डायरेक्ट मैं यहाँ पे आ गया। अबे साले बेसिकली मैं कह रहा हूँ तुम लोग ज्यादा सोचना मत कि मैं यहाँ पे डायरेक्टली कैसे आ गया। एंड चलो अब पहले डिस्ट्रॉय किया जाए इसका सारा टावर, देखने दो क्या ये क्रीपर का पावर यहाँ पे भी काम आ जाएगा। और ओ भाई यहाँ पे भी काम आ गया, तो ये देखो इसका टावर मैं कैसे इजिली उड़ा देता हूँ, रुक जाओ ये टावर उड़ाता हूँ और डन भाई, इतना ही इजी था। और अब मैं उड़ाऊंगा इस वाले टावर को, चलो ये उड़ गया, अब बारी है इसकी। एंड ये भी उड़ गया भाई, कितना आसान हो गया मेरा काम। एंड आई थिंक सो मैंने इसका सारा टावर उड़ा ही दिया, बस ये आखिरी बचा है। और यप इसका सारा टावर मैंने उड़ा दिया, तो देखने दो क्या इसे ब्लास्ट डैमेज होता है। ओ नो इसे ब्लास्ट डैमेज नहीं होता यार, होता ना तो मजा आ जाता। कोई बात नहीं जब ये नीचे आएगा जो कि ये ऑलरेडी आ रहा है, फिर मैं इस पे ये आयरन गोलम का पावर यूज करूंगा, इससे स्ट्रेंथ 6 मिलता है। ओ भाई क्या खतरनाक है, कितना ज्यादा डैमेज हो रहा है इसे। और ये देखो ये फिर से नीचे आ गया, एंड मैंने गलत बोला था क्रीपर पावर से इसे डैमेज होता है, ब्लास्ट कर करके मैंने इसका इतना ज्यादा हेल्थ कम कर दिया, बस एक दो बार और करना है। अरे ऑलमोस्ट मर ही गया था ये बच्चा, लेकिन गाइस इसका आखिरी टाइम बहुत ही जल्द आने वाला है, मैं सोचा हूँ क्यों ना मैं इसे हवा में ही टपका दूं। ओ ये देखो इसे डैमेज हो रहा है, बस आ जाओ एंडर ड्रैगन के बच्चे। एंड यप मैंने इसे टपका दिया, वो भी हवा में ही, भाई मजा आ गया, आज का फाइट कुछ ज्यादा ही ओपी था, बिग ब्रेन लगा लगा के मैंने इसकी वॉटी लगा दी। और ये देखो गाइस मुझे ड्रैगन पावर भी मिल गई है, तो
ओ भाई ये खतरनाक है। ये देखो मैं इसे पूरा तबाही मचा सकता हूँ। तो सही में आज का वीडियो कुछ ज्यादा ही तबाहीदार हो गया, तो इसी बात पर लाइक मार देना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।